हेलो स्टूडेंट्स, कैसे होता है बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को लेकर, और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा रखा कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ क्या थी डिसएडवांटेज थी, जिसके कारण मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को भी क्या कर दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया। जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट किया गया बेटा, तो 1913 के अंदर हेनरी मोजले के द्वारा एक और पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया गया बेटा, जिसका नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल में काम किया था वो वाक्य में अविश्वसनीय काम था, और मॉडर्न की जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केवल मेंडलीफ की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए ही बनी गई थी बेटा। क्या बनाई गई था ये तो उसके बेटा, तो आपका जो हेनरी मोजले था बेटा, उसने 1913 के अंदर जो टेबल दी गई बेटा, उस टेबल का जो मेन थीम रखा गया वो रखा गया बेटा एटॉमिक नंबर। इस टेबल का जो थीम था बेटा वो था बेटा इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है जिसको आप किसके नाम दे रहे हो बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दे रहे हो, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या आप इसको बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बजाय आप इसको क्या बोल सकते हो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो। तो जो मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल का जो मेन थीम है वो क्या है बेटा आपका एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनिए बेटा, कंपैरिजन के आधार पर इसको हम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका बेटा। आपने दो प्रकार की पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करना है जनरली, एक तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो आपकी मेन डिस्कस में रहेगी, उसको मॉडिफाई करने वाली कौन सी रहेगी बेटा आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीफ और मॉडर्न, इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए हमें इस यूनिट को क्या करना है बेटा, फिनिश करना है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल हम टोटली हर प्रकार से लिमिटेशन एडवांटेज को पढ़ते हुए, इसके मेन थीम को पढ़ते हुए हम क्या कर चुके बेटा, कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा किसको लेकर, मॉडर्न की एटॉमिक टेबल को लेकर। अब ध्यान से सुनो बेटा कि जब मेंडलीफ की मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर जब कुछ लिमिटेशंस आ गई, तो 1913 के अंदर हेनरी मोजले के द्वारा उन लिमिटेशंस को दूर करते हुए एक नई टेबल बनाई गई बेटा, जिसका नाम क्या रखा गया, मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल। और सेकंड पॉइंट जो दिमाग में डालने वाला है वो ये बेटा कि जो मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल का जो मेन थीम है वो क्या है बेटा आपका एटॉमिक नंबर है, जबकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का जो मेन थीम था वो क्या था बेटा एटॉमिक मास था। यानी कि मेंडलीफ ने अपने एलिमेंटों को अरेंज किया था किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, कि जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले स्थान दिया गया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको बाद में स्थान दिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि किन किन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करती है, मैच करती है, जिनको जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है उनको ग्रुप कर दिया गया, और जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती उनको सेपरेट कर दिया गया बेटा। इस प्रकार से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 कॉलम यानी कि 8 ग्रुप और 6 पीरियड बने थे बेटा। लेकिन 1913 के अंदर जब हेनरी मोजले के द्वारा अपनी पीरियोडिक टेबल दी गई, तो उसका मेन थीम क्या रखा गया बेटा, एटॉमिक नंबर, और पीरियोडिक टेबल का नाम क्या रखा गया, मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल, जिसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, अभी अभी आपने क्या पढ़ा बेटा कि मॉडर्न की जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज की गई है बेटा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज की गई। तो मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल में बोला गया है बेटा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर या ऑफ देयर या अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनेगा क्या कुछ बोल रहे हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट है बेटा, उन एलिमेंटों को हम क्या करते हैं,
उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं, हम उन एलिमेंटों को क्या करते हैं बेटा, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं बेटा, उन्हें हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसे ही एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ऑब्जर्व होता है बेटा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या करती है बेटा, सेम है और मैच करती है किसके बाद, एक निश्चित स्पीड ऑफ एलिमेंट के बाद। यानी कि स्पीड ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है बेटा कि 10 एलिमेंट को छोड़कर हो सकता है 11वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच करती हो सकता है कि 15वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी 11वें एलिमेंट के साथ मैच करती हो सकता है 25वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी 11वें एलिमेंट के साथ मैच करती हो। तो जिन जिन की प्रॉपर्टी मैच करी बेटा वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी बेटा, उसका पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि जो प्रॉपर्टी मैच करेगी वो एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर क्या करेगी बेटा, रिपीट होगी। हो सकता है वो हर 8वें एलिमेंट पर रिपीट हो सकता है वो हर 18वें एलिमेंट पर रिपीट हो सकता है हर 32वें एलिमेंट पर रिपीट हो। वो तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ेंगे हमें सब कुछ समझ में स्टार्ट हो जाएगा बेटा। तो फिलहाल इतना बोला गया बेटा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक निश्चित एलिमेंट के गैप के बाद क्या होती है दोबारा से रिपीट होती है। कब? जब एलिमेंटों को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है बेटा, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है किसकी बनती है बेटा, आपके मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बनती है। ध्यान से देखिए बेटा कि मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और जो आपकी मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो डिपेंड करती है एटॉमिक वेट के ऊपर। अब बात करते हैं कैसे बेटा मॉडर्न ने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड और 18 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया। बेटा मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ, एलिमेंटों का जो बंटवारा हुआ, वो बंटवारा 7 पीरियड और 18 ग्रुप के अंदर हुआ। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंटों का बंटवारा हुआ वो 7 पीरियड और 18 ग्रुप के अंदर हुआ। बेटा अगर आपके पास अपनी बुक है तो उस बुक के अंदर आप फ्रंट पेज खोलिएगा, उस फ्रंट पेज के अंदर आपको ये पीरियोडिक टेबल नजर आएगी। बेटा ध्यान से देखिएगा, आपको फ्रंट पेज के ऊपर इस प्रकार से बनी हुई एक कलर्ड पीरियोडिक टेबल क्या होगी बेटा, नजर आएगी। देखो एक बार सभी अपनी पलसन की जो बुक है उसका फ्रंट पेज खोले बेटा, वहां पर आपको इस प्रकार से बनी हुई एक पीरियोडिक टेबल क्या होगी बिल्कुल साफ नजर आएगी। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखते हो बेटा तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ वर्टिकल लाइंस बनी हुई, इस प्रकार से यहाँ पर एलिमेंट लिखे हुए, इस प्रकार से यहाँ पर एलिमेंट लिखे हुए बेटा। देखो बेटा तो अगर आप इस प्रकार से कुछ लाइनें खींची हुई है बेटा, इस प्रकार से लाइनें बनी हुई है, वहां पे देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से लाइनिंग बनी हुई है, इस प्रकार से देखो आप एक बार अपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखो, ये अपने आगे काम आने वाली है बेटा। तो अब क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा कि ये जो इस प्रकार की जो लाइन, इस प्रकार से जो खड़ी हुई लाइन है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं बेटा। तो आप ऑब्जर्व करो बेटा, ये जो वर्टिकल कॉलम है, जो लाइन है, वो कितनी संख्या में 18 है, ठीक है। और इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, इस प्रकार से जो कौन सी बेटा हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन संख्या में कितनी मिलेंगी बेटा, आपको 7 मिलेंगी। तो जो हॉरिजॉन्टल होती है बेटा उनको हमें क्या बोला था, पीरियड बोला था। जो वर्टिकल होती है बेटा उनको हमें क्या बोला था, ग्रुप बोला था। तो हम वही तो बात बोल रहे बेटा कि मॉडर्न ने जो एलिमेंट है उन एलिमेंटों को 18 ग्रुप और 7 पीरियड में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया बेटा। ध्यान से सुनिएगा, मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 18 ग्रुप और 7 पीरियड नजर आएंगे। उसके साथ साथ मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंटों को 4 ग्रुप के अंदर भी क्लासिफाई किया बेटा। ये तो पीरियोडिक टेबल हो गई, अब क्लासिफिकेशन ग्रुप भी किया बेटा। उसने एस ग्रुप बनाया,
पी ग्लोब बनाया, डी ग्लोब बनाया और फिर कौन सा ग्लोब बनाया बेटा उसने, एफ ग्लोब बनाया। यानी मॉडर्न ने एलिमेंटों को 18 ग्रुप साथ पीढ़ के साथ साथ ब्लॉक में भी क्या किया बेटा, क्लासिफाई किया। चार ब्लॉक बने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब बात करते हैं सर कैसे पता लगा कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट है। भाई 118 एलिमेंट आज हमारे पास, आज हमारी केमिस्ट्री के अंदर कितने एलिमेंट नो है बेटा, 118 एलिमेंट नो है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि 118 एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट आपका एस ब्लॉक का है, कौन सा एलिमेंट आपके पी ब्लॉक का है, कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक का है, कौन सा एलिमेंट कौन सी ब्लॉक से बिलोंग करता है बेटा, आपके ए ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो यहां पर उसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या दिया बेटा, प्रेफरेंस दिया गया बेटा। यानी कि मॉडल की पीरियोडिक टेबल के अंदर किसका इस्तेमाल कर लिया जा रहा है बेटा, किसका, शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है वो देखिएगा बेटा। बेटा मॉडल ने बताया कि आप क्या करते हो, एलिमेंटों को उनके डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को फिल अप करते हो। तो आप एक काम करो, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पर देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन, और ये ऑब्जर्व करो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं। आप क्या देखोगे, आप पहले एलिमेंट देखो, एलिमेंट में फिर क्या देखो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, और फिर ये देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहे हैं। बेटा जिस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है उसी ऑर्बिटल के नाम पर उसके ब्लॉक एलिमेंट का नाम रख दो। क्या नाम रख दो, उसी ब्लॉक का एलिमेंट का नाम रख दो। फॉर एग्जांपल मान लो किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन, मान लो हम बात करते हैं सोडियम की, चलो एग्जांपल एक बात करते हैं सोडियम की बात करते, तो सोडियम कितने नंबर पर, अभी तक 11 नंबर पे। सबको पता है पहले एनर्जी 1s की कम होती है तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन रख दी, क्या बन गया 1s2। 1s के बाद किसका नंबर आता है बेटा, 2s2। 2s के बाद किसका नंबर आता है बेटा, 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, तो अगली सेल कौन सी बेटा आपकी, 3s, और कितना 1, तो 11 इलेक्ट्रॉन। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा आपका, 11th इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन। आपने क्या नोट किया कि अब तक 11 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में आया बेटा, कौन से ऑर्बिटल में आया, एस ऑर्बिटल में आया। आपका 11वां इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया, एस ऑर्बिटल में आया। तो आपने बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर किया बेटा, एस में। तो इस एलिमेंट का नाम क्या रखा जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट रखा जाएगा। तो मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होगा बेटा, एलिमेंटों का ग्रुप के साथ साथ पीरियड के साथ साथ ब्लॉक के अंदर भी क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन उनका स्टार्ट हो गया। और मॉडर्न ने यानी कि हेनरी मोजले ने कितने ब्लॉक बनाए बेटा, चार ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब बात करते हैं सर एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे बेटा, एक डेफिनेशन समझा रहा हूं, सभी के डेफिनेशन सेम रहेंगी, बस ब्लॉक चेंज कर देना आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए कैसे मैं एस ब्लॉक ही लिखता हूं, तो क्या लिखूं बेटा, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एस ऑर्बिटल। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे बेटा, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एस ऑर्बिटल, वो एलिमेंट जिन एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है, एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। और जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर होगा, क्या कहलाएंगे बेटा, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो कितने भागों के अंदर क्लासिफाई होगी बेटा, चार भागों के अंदर वो क्लासिफाई होगी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब बात करते हैं कि सर एस ब्लॉक में कौन कौन सा आता है। तो अपनी पीरियोडिक टेबल पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या बोला था कि अपने कितने ग्रुप है बेटा, 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है बेटा अपने, 18 ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर
और क्लासिकल से स्टार्ट हो गए बेटा, अपने पीरियड टेबल को आप अपने सामने रखिए। तो ग्रुप नंबर इस प्रकार से, जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है बेटा वो आपका फर्स्ट ग्रुप है, वहां से आपका फर्स्ट ग्रुप है। और जो हीलियम लिखा हुआ है बेटा वो आपका 18वां ग्रुप है। यानी कि कैसे चल रहे हैं, हाइड्रोजन फर्स्ट, इस प्रकार से हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा आपका फर्स्ट हो गया। ब्रेलियम, यहाँ पर आपका ब्रेलियम लिखा हुआ है बेटा वो सेकंड हो गया, देखेंगे इस प्रकार से। फिर आपका यहाँ पर बेटा थोड़ा नीचे चल के यहाँ पर स्कैनियम वगैरह लिखा हुआ है, फिर टाइटेनियम लिखा है, फिर वैनेडियम लिखा हुआ है, इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ब्रेलियम आपका सेकंड ग्रुप हो गया, स्कैनियम आपका थर्ड ग्रुप हो गया, टाइटेनियम आपका फोर्थ ग्रुप हो गया, वैनेडियम आपका फिफ्थ ग्रुप हो गया। इस प्रकार से चलते हुए आप हीलियम पर आ गए, तो हीलियम आपका कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, 18वां ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, ये आपका 18वां ग्रुप हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आप किस प्रकार से चल रहे हैं, जब ग्रुप का नाम आए तो आप वर्टिकल चलोगे, और जब पीरियड का नाम आए तो आप कैसे चलोगे बेटा, हॉरिजॉन्टल चलना स्टार्ट कर दोगे। फर्स्ट पीरियड पहली लाइन पूरी हाइड्रोजन वाली, सेकंड पीरियड लिथियम वाली लाइन आ जाएगी, थर्ड पीरियड तो सोडियम वाली लाइन आ जाएगी, फोर्थ पीरियड पोटेशियम वाली लाइन आ जाएगी। इस प्रकार से हमें क्या करना बेटा, वो आगे की तरफ चलना है। तो उसने बोला बेटा अगर आप बात करते हो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप के क्लासिफिकेशन की, देखो पहले एलिमेंट को किसमें बांटा, ग्रुप और पीरियड में बांटा, अब ग्रुप को और पीरियड को भी बांट दिया गया, किसमें बांट दिया गया बेटा, ब्लॉक के अंदर बांट दिया गया। कैसे? तो उसने बोला बेटा ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड आपका कौन सा ब्लॉक कहलाएगा बेटा, आपका एस ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका एस ब्लॉक कहलाएगा। दोबारा से सुनिएगा, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड आपका क्या कहलाएगा बेटा, आपका एस ब्लॉक कहलाएगा। और बेटा एक बात सुनो, जो आपका ग्रुप फर्स्ट है ना, जो इसके अंदर लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये आपका अल्कली मेटल, क्या कहते हैं, ये आपका अल्कली मेटल है। और जो सेकंड लिखा है बेटा, सेकंड ग्रुप ब्रेलियम, ध्यान दो देखो नीचे ब्रेलियम, मिल गया नहीं मिल गया बेटा, ये आपका कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहलाता है, आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। दोबारा से देखिए बेटा, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, अल्कली मेटल, और जो आपका सेकंड ग्रुप है वो कहलाएगा बेटा, आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा नाम याद होना चाहिए दोनों के। आपका जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं बेटा, वो आपका फर्स्ट ग्रुप है, और जो आपका सेकंड ग्रुप है बेटा उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बेटा। जो आपका सेकंड ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बेटा। अब आपका जो एस ब्लॉक है, उस एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप रहेंगे बेटा, एक तो रहेगा आपका ग्रुप फर्स्ट और एक रहेगा बेटा ग्रुप सेकंड। अब बात करते हैं इनकी खासियत क्या होती है, इन एलिमेंटों की क्या कुछ खासियत होती है, क्या कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, लो होता है। तो सबसे पहली खासियत आपने क्या पढ़ी बेटा, दे आर या दीज आर सॉफ्ट मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात आपने क्या पढ़ी बेटा, कि जो आपके अल्कली मेटल होते हैं बेटा, उन अल्कली मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कैसे मेटल होती है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल सॉफ्ट मेटल होती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम बेटा, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है तो सीधी सी बात है दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं सर, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस और ये क्या है बेटा, आपके ऑर्बिट है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई इलेक्ट्रॉन अपने आप तभी निकलता है, उसके कान में जाकर बोलो निकल जब क्या निकल जाएगा भाई, कोई भी एटम है, एटम से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को जाकर बोल दो भाई निकल जाए, एटम को छोड़कर चला जाए यहाँ से, तो क्या निकल कर चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी। तो जिस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या जितनी एनर्जी के ऊपर
आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही एनर्जी आपकी कौन सी एनर्जी बन जाएगी बेटा, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं सर क्या होती है, बेटे इस यूनिट के अंदर आगे बढ़ो, सब कुछ फैक्टर नजर आएंगे आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंप्लीट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्लियर बेटा। तो आगे बढ़ते रहो अपने साथ। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जब अल्कली मेटल को किसी फ्लेम में जलाया जाता है बेटा, बर्न किया जाता है, तो आप काफी चीजों को बर्न करते हो बेटा। तो आपने देखा होगा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको बर्न करते हैं तो कलर फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ फ्लेम ऐसी भी होती है बेटा जो व्हाइट कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, इनकी कुछ कलरलेस जलते हैं, कुछ कलर के साथ जलते हैं, लेकिन अल्कली जो मेटल होते हैं वो कलर फ्लेम देती है, दे गिव्स कलर फ्लेम कलरेशन, दे गिव्स कलर फ्लेम कलरेशन, या दे शो फ्लेम कलरेशन, आप डायरेक्ट बोलो दे शो फ्लेम कलरेशन। इनकी जब उनको क्या किया जाता है बेटा, बर्न किया जाता है, तो बर्न करते समय वो क्या होती है बेटा, कलर के साथ जलती है। नेक्स्ट दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, सीधी सी बात है बेटा, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके ऑटोमोस्ट सेल बेटा, उनके ऑटोमोस्ट सेल के अंदर एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको आसानी से क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हैं और अपने ऑक्टेट को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं बेटा, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, काफी हद तक क्या होते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये कुछ खासियत थी बेटा, हमने किसके बारे में पढ़ी, एस ग्लोब एलिमेंट के बारे में पढ़ी बेटा। तो आपने एस ग्लोब एलिमेंट के बारे में पढ़ा बेटा कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा, एस ग्लोब एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। जो आपका ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट का नाम हमने रखा है बेटा अल्कली मेटल, और जो ग्रुप सेकंड है बेटा उसका नाम हमने क्या रखा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ध्यान से सुनिएगा, एस ग्लोब एलिमेंट के अंदर जो आपका ग्रुप फर्स्ट है उसका नाम क्या रखा गया बेटा, अल्कली मेटल, और सेकंड जो ग्रुप उसका नाम क्या रखा गया बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात आती है सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा अपना अल्कली मेटल है, कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो बेटा मैं आज केवल और सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन मेटल के एलिमेंटों के ऊपर डिस्कस किए बेटा हमने, और आप उनके नाम को याद करना सीख लीजिएगा बेटा। देखिएगा, आपने पहला ग्रुप पढ़ा होगा बेटा है ली ना की रब से फरियाद, पढ़ी थी बेटा ये लाइन आपने, हेलिना की रब से फरियाद, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी बेटा, आप ये काफी बार पढ़ चुके, बस थोड़ा सा इतना, तब आप सीरियस नहीं थे, अब आप सीरियस होने की कोशिश कर रहे बेटा, अगर आप तब सीरियस होते तो आज ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं होती, आज आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं थी बेटा, अगर उस समय ज्यादा सीरियस होते तो आप। तो देखिएगा बेटा, हेलिना की रब से फरियाद, ये आपका कौन सा ग्रुप है बेटा, आपका फर्स्ट ग्रुप है, और किसके नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है बेटा आपका अल्कली मेटल के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है, अल्कली मेटल के नाम से। अब एक बात सुनिएगा, आपने मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर एक लिमिटेशन पढ़ी थी बेटा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में आपने लिमिटेशन पढ़ी थी बेटा कि मेंडेलीव ने हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया, तो बेटा मॉडर्न ने भी नहीं किया, तो मॉडर्न ने नहीं किया, तो मॉडर्न ने हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया। तो अल्कली मेटल कौन कौन से बन गए बेटा, हाइड्रोजन करता तो आपके बन गए बेटा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। दोबारा से सुनिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब इनमें एक सिमिलरिटी देखिए बेटा क्या है बेटा, अगर मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, लिथियम तीन नंबर पे आता है तो क्या बनेगा, 1s2 2s1, चेक कीजिएगा बेटा, खुद बनाकर देखिएगा, मेरे ऊपर विश्वास क्यों करते हो। सोडियम का बनेगा बेटा, तो सोडियम का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके नहीं होगा। पोटेशियम का बनेगा क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1,
रुबिडियम को पड़ेगा। अब बोलते सर बस इतना ही याद था कि तो हमने याद किया ही भूल गए। तो यहाँ से आपको एक सिमिलरिटी नजर आ रही है, बेटा देखिएगा ये 2s1 एक कदम नीचे आए तो 3s1, एक और कदम नीचे आए तो 4s1, तो आप खुद बोलिए बेटा एक और कदम नीचे आ गया तो बेटा कौन सा बनेगा 5s1, एक और कदम नीचे आती लास्ट वाली सेल क्या बन जाएगी 6s1, एक और कदम नीचे आती लास्ट वाली सेल क्या बन जाएगी बेटा 7s1। क्लियर है? तो इसका मतलब जो आपकी अल्कली मेटल है ना बेटा, उस अल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा देखिएगा। मैंने जनरल बोला है, आम तौर पर, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं बोला, आम तौर पर। अब एक बात बताइए बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या है आपके नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो इनको किसके द्वारा लिखा जाएगा, एन के द्वारा। और ऑर्बिटल कौन सा चल रहा है सभी में, बार बार एस, ये एस ऑर्बिटल आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये 1 लिख दिया। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गया बेटा, ये आपके अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एन का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है बेटा, क्योंकि ये सारे के सारे कौन है आपके, ये सारे के सारे आपके अल्कली मेटल ही तो है मेरे भाई, सारे के सारे कौन है आपके अल्कली मेटल। अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपने क्या पढ़ा देता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में मिटा दो करने से रफ कर दो, और सेकंड ग्रुप बात करते हैं बेटा सेकंड ग्रुप की। तो सेकंड ग्रुप के अंदर हम बात करते हैं, तो ये आता है बेटा आपका बेटा मांगे, पढ़ा था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ध्यान आया नहीं है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ध्यान है। बी का मतलब ब्रेलियम, एन से का मतलब मैग्नीशियम, सी का मतलब कैल्शियम, एस का मतलब स्ट्रोनियम, बी का मतलब बैरियम, और आर का मतलब क्या था बेटा आपका रोनियम। देखिएगा ये आपका कौन सा ग्रुप बना बेटा, ये अपना आपका सेकंड ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा ये आपका सेकंड ग्रुप। और क्या नाम है इसका, नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या नाम बेटा इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात करते हैं सर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसके बाद ये खत्म होता है बेटा। ब्रेलियम कितना नंबर पे, 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2। मैग्नीशियम कितने पर होता है बेटा, 12 पे, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2। कैल्शियम 20 पर होता है तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब आगे का हमें पता नहीं, तो यहां से इंट ले लो ना बेटा, 2s के बाद 3s 3s के बाद 4s 4s के बाद 5s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर 6s कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर 7s कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो इसका जनरल क्या बनेगा बेटा, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका NS2। क्या बन गया बेटा ये आपका NS2। हम मुझे एक बात बताओ बेटा, बेटा अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसमें आती है, एस ब्लॉक में ही तो आती है, किसमें आती है एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक में क्या होगा जनरल कॉन्फिगरेशन, तो एस ब्लॉक का होगा NS। अब एस में एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो अल्कली मेटल, दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, दो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, क्योंकि आपकी अल्कली मेटल भी एस ब्लॉक है और आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आपकी एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बेटा NS, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 1 से 2। ये तो बेटा आपका पहला ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 4 ग्रुप बने बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसके अंदर हमने एस ब्लॉक को कंप्लीट किया बेटा, कल हम कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा रिमेनिंग 4 ग्रुप्स के ऊपर, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पर। फिर हम बात करेंगे बेटा इसके एडवांटेज, फिर इसकी लिमिटेशन, उसके बाद आपकी पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगी खत्म। उसके बाद स्टार्ट होंगे बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होती है, किस प्रकार से एटॉमिक आयनिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, एंड ऑप्शनल काफी प्रॉपर्टीज हमारे सामने क्या होगी
फेस होंगे तो हम कंपेयर करेंगे, डील करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।